Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. और आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो कि आज की वीडियो क्या होने वाली है तो अभी क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा था एंड मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से कोई मेकअप वगैरह की शॉपिंग नहीं की थी मैंने अमेजोन से काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए बट ये सारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड प्लस मैंने कुछ रैंडम थिंग्स भी मंगाई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी तो वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं ये प्रोडक्ट्स तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना मैंने बहुत सारे क्लोथ्स uh, और ज्वेलरी भी शॉप करी है बट नॉट फ्रॉम अमेज़ॉन आई शॉप दैट फ्रॉम मीशो वो वाले हॉल भी आगे आने वाले हैं फेस्टिव सीजन का बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आने वाले एक दो महीनों में तो प्लीज स्टे ट्यून और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट एंड येस नाउ विदाउट एनी फॉर द ब्लावरिंग राइट इन द वीडियो तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं कुछ इत सी इधर इधर के चीज़ें मंगवाई है और मोस्टली मेकअप है मेकअप uh, प्रोडक्ट्स है मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कुछ नया शॉप किया था एंड देर इज़ सो मच इन द मार्केट देर आई वॉन्टेड टू ट्राई बट इस बार ही मैंने ट्राई किया टू कीप एवरीथिंग वेरी वेरी अफोर्डेबल ताकि मैं आप लोगों के साथ एक फुल फेस ऑफ अफोर्डेबल लाइक अंडर फाइव हंड्रेड मेकअप शेयर कर पाऊँ एंड मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं उसकी मैं एक नई अलग वीडियो बनाऊंगी वो इससे पहले जा चुकी है या इसके जस्ट बाद आएगी तो जस्ट स्टेट ट्यून फॉर दैट तो शुरू करते हैं आज की हॉल वीडियो से एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्राइसेज मैं यहाँ पर मैंशन करूँगी और लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट से जो कि मैंने पहना हुआ है तो मैंने जावेरी पर्ल से मंगाया था दीज आर द ब्यूटिफुल ईयर रिंग्स एंड ये रिंग का सेट ये जावेरी पर्ल्स का जो ब्लैक वाला बॉक्स आता है ना उसके अंदर आए थे इस पैकेजिंग में उस बॉक्स के अंदर थे का, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर वो बॉक्स अभी थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है बट देन येस दीज लुक सो प्रिटी लाइक जब मैंने फोटो में देखी थी तो मुझे थोड़े से छोटे लगे थे बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़े आए हैं एंड येस थोड़ा सा वेट है इनमें तो आप नमिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो तो वो सब चीज़ें तो चलो आपके ऊपर है अगर आपको इतने बड़े पसंद है तो आप मंगा सकते हो पर आप साइज़ देखो ये इतने बड़े एकदम तो चौंकी से झुमका है मुझे बहुत सुंदर लग रहा है मैंने इतना ज़्यादा बेसिक सा सूट पहना हुआ है अभी एक कुर्ता डाला हुआ है एक बहुत ही बेसिक सा एंड सिर्फ ये झुमका मैंने पहन लिया और ये रिंग पहन लिया है तो कितना ज़्यादा मेरा लुक एलिवेट हो गया है सो दिस इज़ वॉट अ गुड ज्वेलरी डस्ट टू योर लुक तो इसलिए मैंने ये मंगवाया एंड मैंने ऑनेस्टली ये गलती से मंगा दिया था मुझे मंगाना नहीं था बट uh, क्योंकि ये इतना सुंदर आया तो फिर आई जस्ट इट सो ये बहुत ही सुंदर है इसका प्राइस था थ्री सिक्सटी रुपीज़ मैंने सेल पे मंगाए थे तो मैं अपना प्राइस बताऊंगी जिस पे मैंने ख़रीदा है तो, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ये था वो मेन चीज़ जिसके वजह से मैंने अमेजोन पे जाके शॉपिंग शुरू करी थी एंड उसके बाद ये इतने प्रोडक्ट मंगा लिए कि हॉल वीडियो हो गई तो दिस इज़ द अगारो का ब्लो ब्रश मुझे बहुत टाइम से एक ब्लो ब्रश चाहिए था आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हुई हैं मैंने उसमें बोला है कई बार कि मुझे एक नया स्ट्रेटनर लेना मेरा स्ट्रेटनर काफ़ी पुराना हो गया बट देन आई वॉज लाइक कि स्ट्रेटनर से डायरेक्ट हीट लगती है मेरे बालों में तो उससे मेरे बाल डैमेज भी हो जा रहे थे एंड अब मैं स्ट्रेटनिंग उतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ तो आई वॉज लाइक कि आई नीड समथिंग जिससे डायरेक्ट हीट मेरे बालों में ना लगे एंड स्टिल कभी कभी जब वो कर्ली हेयर गर्ल रूटीन फॉलो करने जितना टाइम नहीं है तो मैं फटाफट से कुछ स्टाइलिंग कर पाऊँ तो जो ब्लो ड्राई करते हैं ना लाइक वो राउंड वाला ब्रश यूज करके और ब्लो ड्रायर से वो मुझसे अच्छे से हो नहीं पाती है टू तो बी ऑनेस्ट तो उसी का आल्टरनेटिव है ये ब्लो ब्रश प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मैं आप लोगों को नीचे से नहीं दिखाऊंगा बिकॉज़ इसमें बहुत सारे अभी बाल फंसे हुए हैं मैंने ये यूज़ किया था तो ये ऐसे गोल्डन और ब्लैक कलर में मैंने मंगाया है तो so बेसिकली ये आपके ब्लो ड्रायर और जो राउंड वाला ब्रश होता है उसका एक कॉम्बिनेशन है एंड uh, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मैं इसको एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ तो मैंने इसे एक बार एकदम वेट अपने हेयर टाल ड्राई हेयर पर यूज़ किया था एंड uh, मैंने बस ऐसे ऐसे रन किया था आई डिड नॉट डू एनी प्रिसाइज स्टाइलिंग तो मैंने

यर ब्रश तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊ कि मैं इसको कैसे यूज करती हूँ और मैं इससे अपने बाल कैसे स्टाइल करती हूँ कितने क्विकली आपके बालों को क्या मस्त ब्लो राइड इफेक्ट देता है ओके okay, तो नेक्स्ट रैंडम प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया लेकिन इसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी तो दिस इज दिस ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक आई थिंक ये भी हाँ मो लाइफ का है ये तो so, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू माई अदर ट्राईपॉड मैंने अभी जब मैं ट्रिप पर गई थी उस टाइम पर मैंने एक गोरीला ट्राईपॉड खरीदा था वह टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव था थ्री हंड्रेड समथिंग का था बट अगेन उसकी क्वालिटी उतनी नहीं जमी एक ही ट्रिप के बाद वो ठप पड़ गया तो दिस इज़ वट दिस ट्राईपॉड लुक्स लाइक इसके साथ एक ये चार्जिंग केबल भी आती है और पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आता है तो इसकी खासियत ये है कि लाइक इसमें लाइट्स हैं तो मैं इसको यहाँ से ये देखो लाइट ऑन कर सकती हूँ और ये दोनों साइड पे है देखो ठीक है अभी इनकी ना ब्राइटनेस में एडजस्ट भी कर सकती हूँ हाँ यहाँ से एडजस्टेबल है एंड देन इसी को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को एंड द अदर बेस्ट पार्ट वर्स कि आप इसको किसी भी एंगल पे यूज़ कर सकते हो तो आप इसको ओवरहेड भी बना सकते हो एंड इसको मतलब किसी भी एंगल पे 270 डिग्री तक का इसका बेंड रहता है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया uh, इसको लाइक आप व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो लाइक दिस यू कैन व्लॉग विद इट एंड उसके बाद अगर आप इसको ट्राईपॉड की तरह यूज़ करना चाहते हो तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है एंड ये एक छोटा सा ट्राईपॉड बन जाता है उसके बाद अगर आपको इसकी हाइट एडजस्ट करनी है तो ये इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाती है यहाँ से ऐसे करके बहुत लंबा खींच जाता है तो यू कैन यूज़ इट एज अ ट्राइपॉड यू कैन यूज़ इट एज अ सेल्फी स्टिक ये रिमोट भी रिमूव हो जाता है इधर से इसको फोन पे कनेक्ट करो ब्लूटूथ से तो फोटोज खींच सकते हो वीडियोज ऑन ऑफ़ कर सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब मल्टीपर्पज़ है ये तो मेनली मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि एक तो मेरा व्लॉगिंग ट्राईपॉड टूट गया था तो फिर आई वॉन्टेड न्यू ट्राईपॉड उसके वजह से मंगाया था प्लस जो बेस्ट चीज़ मुझे इसकी थी कि ये ओवर हेड मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ तो कभी कभी जैसे मैं कुकिंग वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो विदाउट हेल्प वो पॉसिबल नहीं हो पाती तो आई वॉज लाइक कि हाँ दिस विल कम इन हैंडी तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था एंड आई री ऑल्ली लव इट काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है वेटेड है तो फिर अच्छा प्रोडक्ट है नेक्स्ट रैंडम थिंग दैट आई गॉट इज दिस बाथ ब्रश मैं ऑप्सैस जो बाथ प्रोडक्ट से लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड मैंने वो लूफा यूज़ करने छोड़ दिए थे एंड उसके बाद मैंने खरीदे थे बाथ क्लॉथ फिर मुझे वो भी उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए एंड देन अभी मैंने मंगाया ये बाथ ब्रश इसमें से सिलिकॉन के ब्रिसल्स हैं एंड इसमें पीछे से आप इसको खोल सकते हो इसमें आप अपना बॉडी वॉश भरो थोड़ा सा पानी डालो शेक 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 पूरा अंदर झाक झाक बन जाता है एंड देन यू कैन वॉशियर एंटायर बॉडी विद दिस तो ये तो काफी ज्यादा इन एक्सपेंसिव था दिस वन आई गॉड फॉर नाइनटी नाइन रुपीज एंड ये काफी अच्छा काम कर रहा है मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है तो यू कैन गेट इट इफ यू वॉन्ट टू स्विच फ्राम योर लूफास्ट टू समथिंग एल्स दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन वो बात क्लॉथ उतने ज़्यादा मजा नहीं आया था जो मैंने पिछले अमेजॉन हॉल में शेयर किया था दिस वन इज़ बेटर अभी मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ये एक रीफिल है दिस इज द प्लम का इल्यूमिनेंस क्लेंजिंग बाम आप लोग जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही क्लेंजिंग बाम यूज करती हूँ पिछले दो सालों से आई सु वेयर बाय दिस प्रोडक्ट मैं इसके पता नहीं पाँच छः टब यूज़ कर चुकी हूँ सो दिस इज़ जस्ट अ रीफिल एंड आई लव दिस प्रोडक्ट हाउ ब्यूटिफुल इट मेल्स योर मेकअप बहुत ही अच्छा 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 प्रोडक्ट है तो अगर आप मेकअप रिमूव करने के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस तो ये दो मैंने टूल्स मंगाए थे तो ये तो वही वाला डब्बा है जो मैंने थोड़ा टाइम पहले भी मंगवाया था Uh, ये ना मैंने मैक प्लस का मंगाया है पिछली बार मैंने शायद से अर्बन मैक या कुछ ऐसा वाला था तो वो वाले जो प्रोड स्पन्ज uh, थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे एंड आई लव्ड कि ये इतना सस्ता में सेवन मतलब ये डेढ़ सौ रुपये के मैंने साथ मंगाए थे uh, इस बार मैंने ये मंगाए हैं टू हंड्रेड नाइनटीन के सेवन मुझे लगा कि सेम ही है यू नो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हुआ होगा बट ये ब्रांड भी थोड़ा सा अलग है ये वाले उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है थोड़े से ज़्यादा हार्ड है बट ठीक है काम चल रहा है बिगिनर हो तो आप यूज़ कर सकते हो बट मैं उस वाले की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो आप वो वाले चेकआउट करना फिर मैंने ये वाले मेकअप स्पंज मंगाए तो आप लोगों को पता है ना कि मैं वो ट्रायंगल वाले मेकअप पफ यूज करने लगी थी वो मुझे बहुत पसंद आए थे तो मुझे लगा कि ये वही वाले हैं तो फिर ये एक डब्बे में काफी सारे पीसेस थे ये मैंने ऑर्डर किया था 176 का तो मुझे लगा ये वो ही वाले हैं पर ये वैसे नहीं है ये ना अलग है ये थोड़े से ऐसे स्टिप से हैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं किस चीज़ के लिए अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ तो इनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है आई यूज़ दैम एंड मैं फिर इसका रिव्यू दूंगी कि आपको लेने चाहिए कि नहीं बाकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज हैं बट एक बार मैं इनको यूज़ कर लूँगी और मुझे पसंद आए अगर तो फिर मैं इसके ऊपर एक यूट्यूब बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी बट येस आई गॉट दिस फॉर वन सेवेंटी आप भी ले सकते हो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है एंड अगर आपको भी ट्राई करने का मन है तो आप लेके देख सकते हो इफ़ इट वर्कस फॉर यू और नॉट अभी मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाए हैं तो फिर मेरी आईब्राउ पेंसिल खत्म हो गई थी बहुत ज़्यादा टाइम से मैं ब्राउ पो यूज़ कर रही थी और आई शेडो पाउडर्स यूज़ कर रही थी फाइनली आई ऑर्डर टू आई पेंसिल वन फॉर मी वन फॉर माई मॉम ये मैंने मंगाया ब्लू हेवन का आई पेंसिल इन द शेड हनी ब्राउन अच्छा है मैंने यूज़ करके देख लिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एक साइड स्पूली है एक साइड पेंसिल है इसकी पेंसिल थोड़ी सी थिक है uh, मुझे ये वाली ठीक लगती है बट उतनी ज्यादा पसंद नहीं है मुझे पसंद है जैसे शुगर की है माइक्रो ब्राउ डिफाइनर है ना वो बहुत पतली एकदम मार्कर की निप जैसी है मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है बट ये भी दिस ऑल्सो वर्क्स वेल और मेरे आई हेयर के लिए ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है दिस इज इन द शेड हनी ब्राउन एंड देन दिस इज द सेकेंड आई पेंसिल एंड दिस इज नॉट प्लास्टिक ये मेटल है और ये अच्छा खासा वेटेड है आई लव दिस ये वो जो बेनिफिट uh, की ब्राउ डिफाइनर है ना उसकी वाली वाइब दे रही है बट बहुत लक्स लग रहा है लगने रहा ये प्रोडक्ट ढाई सौ रुपए गया लाइक दिस वन इज फॉर लिटरली टू सिक्सटी रुपीज एंड इट इज सच गुड क्वालिटी इसमें एक साइड पे स्पूली है और एक साइड पे पेंसिल है और ये पेंसिल जो है ये बाकी ये वाली पेंसिल से पतली है मार्कर वाली ने नहीं है है तो वो ट्राइंगल वाली बट बहुत पतली है एंड मैंने अपने आई इसी से बनाए हुए हैं मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स ना अपनी मेकअप फेस्टिव मेकअप लुक वाली वीडियो में शेयर किए हुए हैं इनका इंप्रेशन और ये कैसे वर्क कर रहा है तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हो बट आई लव दिस पेंसिल इसके अलावा आ, मैंने ब्राउ के लिए एक और प्रोडक्ट मंगाया था वो होता है मेबिलीन का टाटू ब्राउ ये मैंने मंगाया था फाइव ट्वेंटी फोर रुपीज़ का पहले मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था लाइक इट जस्ट अ ब्राउ मस्कारा बट इट वाज लाइक सुपर हाइप्ड एंड इसमें ऐसे ब्राउ मस्कारा मतलब मस्कारा वाला वॉर्न जैसा आता है एंड दिस इज इन द शेड मैं मैंशन कर दूंगी इसमें यहाँ पे हाँ डीप ब्राउन ठीक है ये डीप ब्राउन शेड में एंड ओ माई गॉड आई किड यू नॉट अगर आपके आई ब्राउज ऐसी हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा फिलिंग की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड अ प्रोडक्ट जो हल्का सा कलर एड करते हैं आपके ब्राउ हेयर को परफेक्टली होल्ड करे दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट एंड अगर आपके थोड़े से स्पार्स आई ब्राउज हैं आप उनको ऐसे जैसे मैंने पेंसिल से फिल किया है फिल करो फिर इसको लगा लो आपकी आई ब्राउज पूरे दिन पूरी रात कहीं मूव नहीं करेंगी ये स्टिक हो जाता है मैं इसको यूट्यूब shorts पे आपके साथ शेयर करूँगी अभी नहीं किया है लाइक आई शेयर हाउ दिस प्रोडक्ट परफॉर्म्स ऑन अ यूट्यूब short मज़ा ही आ गया लाइक इफ़ यू नीड वन ब्राउ प्रोडक्ट गो फॉर दिस एंड ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि ऐसे हटना तो दूर की बात इसको मेकअप रिमूवर से हटाने में मुझे मेहनत लग जाती है इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया था मज़ा आ गया इसको यूज़ करके लाइक like, मुझे ये पहले ले लेना चाहिए था इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट और क्वांटिटी भी अच्छी है तो अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है मैं उसके वजह से बायस हो चुकी हूँ इसके टू तो आई थिंक कि अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज़ is... एन अमेजिंग प्रोडक्ट तो नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर ये मैंने मंगाया इन द शेड जीरो फ़ाइव मीडियम मोइन आई थिंक इसमें छः या सात शेड्स हैं तो दिस वॉज द सेकेंड लास्ट वाला शेड मुझे लगा था आ जाएगा बिकॉज मीडियम बेज ही यूज यूजअली मैं सारे ब्रांड्स में यूज करती हूँ बट ये भी मेरे को थोड़ा सा लाइट हो गया तो मैंने इससे पहले सान सेबल मंगाया था वो तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो उसको मैं डीप यू नो डार्कर शेड्स के साथ मिक्स करके हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ बट इसको मैं ऑन इट्स ओन हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर पा रही हूँ लाइक like, मेरी स्किन टोन से एक से दो शेड लाइट है तो ठीक है काम चल रहा है बट मुझे लगा था परफेक्ट मेरा स्किन टोन होगा क्योंकि ये वाला कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इट इज़ मीडियम टू फुल कवरेज अल्ट्रा लाइट वेट कंसीलर क्रीस नहीं करता बिल्कुल मतलब मैंने अभी लगा रखा है एकदम मस्त सेट कर देता है अंडर आइज पे एकदम बढ़िया सा लगता है तो फिर अगर आपको अपना शेड इसमें मिल जाए ना तो यू डेफिनेटली हैव टू चेक दिस वन आउट मैंने इसे मंगाया है फॉर वन सेवेंटी नाइन लाइक ये दो सौ रुपये से भी सस्ता कंसीलर है एंड ये अच्छे खासे हाई एंड कंसीलर को मात दे देता है तो यू डेफिनेटली हैव टू चेक दिस वन आउट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया था ये ये मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था मेरे पास कोई भी ऐसा क्रीम कॉन्टोर का प्रोडक्ट नहीं है तो फिर मैंने ये वाला मंगाया ये मेकअप रेवोल्यूशन का क्रीम कॉन्टोर पैलेट है इसमें एक हाईलाइटिंग शेड है जिसको आप कंसीलर की तरह मतलब हाईलाइटिंग के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हो और एक ये कॉन्टोर प्रोडक्ट है ठीक है इसका जो शेड है इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन माई स्किन टोन पहले मुझे लग रहा था कि ये मीडियम वाला मंगाऊँ या डार्क वाला मंगाऊँ बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अमेजॉन पे ना मतलब देखो इसके तीन शेड्स हैं लाइट मीडियम डार्क अमेजॉन पे सेल लगी थी सिर्फ मीडियम वाले पे ये मीडियम है ठीक है तो ये मैंने मंगाया था फॉर टू से जो मंगा के देख लेती हूं अगर शेड नहीं जमा तो फिर मैं एक्सचेंज में फिर डार्क वाले मंगा लूंगी बट दिस इज द परफेक्ट शेड तो अगर आप इसमें मीडियम डस्की स्किन टोन होना तो गो फॉर द मीडियम ओनली कॉन्ट्रोल का शेड काफी थोड़ा सा कूल cool टोन है और डार्क है तो आपको जमेगा अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट मैंने इसका हाइलाइटिंग वाला तो अभी तक यूज़ नहीं किया है बट हाँ ये वाला मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अगैन वो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि मुझे ये कैसा परफॉर्म किया मैं बता ही चुकी हूँ वैसे तो okay. नेक्स्ट मैंने मंगाया ये मेकअप फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे ये रहने का है ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता था ये ऑफर पर मुझे मिला टू सेवेंटी टू का एंड वैसे भी आई थिंक इसकी एम आर पी ही है सो इट इज़ एन अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कोई नया मेकअप फिक्सर ट्राई करने का तो मैंने ये वाला खरीद दिया एंड अभी बचे हैं लास्ट के दो प्रोडक्ट जिसमें से एक मैंने खरीदा हुआ है और एक मुझे फ्री 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 आया है तो ये है मार्स का ट्रेंड सेट और सेटिंग पाउडर जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है आप मेरी पिछली मेकअप ट्यूटोरियल्स देखो ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ट्यूटोल्स में मैं मेकअप पाउडर जो लूज़ पाउडर होता है वो यही वाला यूज़ करती हूँ बट अभी तक मैं यूज़ करती थी इसका ट्रांसलूसेंट वेरियंट क्योंकि वो मैं ले चुकी थी और मुझे वो खत्म अब वो खत्म होने वाला है इसलिए मैंने नया ऑर्डर कर लिया उससे मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि हल्का सा फ्लैश आता था क्योंकि वो वाइट है और मैं डस्ट की स्किन टोनू तो अगर मैं बेक वगैरह कर लूँ ना तो थोड़ा सा वाइट लगता था बट ये बनाना पाउडर है ये येलोइश है तो ये मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है मतलब वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता एंड इस पाउडर की बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि मैं इस पाउडर का एक डब्बा खत्म कर चुकी हूं जस्ट डेट कि वो एक अलग शेड में था आपका पूरा मेकअप ऑयली होके रिमूव हो जाएगा आपका पूरा मेकअप एक बार को भज हो जाएगा अगर आपने यू नो अच्छे से यूज नहीं किया है जो भी बट आपके अंडर आइज एज इट इज रहेंगे अगर आपने ये पाउडर यूज किया है तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर है एंड आई गॉट दिस वन फॉर टू हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ अगैन ढाई सौ रुपये से कम का प्रोडक्ट एंड इट इज़ सो गुड एंड लास्ट में है ये प्रोडक्ट ये है लॉरियाल पैरिस का रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम ऑयल फ्री ट्वेंटी फोर हाइड्रेशन शाइन कंट्रोल फॉर क्रिस्टल क्लियर स्किन इसमें सेलिसलिक एसिड है ये मुझे फ्री मिला है ठीक है तो ये फिफ्टीन एम एल का बॉटल है आई डोंट नो कि इसका एम आर पी कितना है मैंने लॉरियाल पैरिस का ये वाला रेंज रिवाइटल लिफ्ट का भी यूज़ नहीं किया आई एम एक्साइटेड टू यूज़ इट इसका रिव्यू मैं आपको बाद में देती हूँ कि ये कैसा काम किया बट इसमें सेलिसलिक एसिड है तो मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ यू नो बीग एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप दैट आई आई एम आई लव सैलिसलिक एसिड इन माई स्किन केयर तो आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दैट एंड येस विद दिस आई फिनिश माई एमेज़ॉन हॉल मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हाल फिलहाल मंगाए थे

कमेंट जरूर करना इस वीडियो को शेयर करना एंड ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट टाइम आई अपलोड इन यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन स्टे हेल्दी बाय बाय